सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं तहलका न्यूज। इस समय मैं कलेक्ट्रेट के परिसर में उपस्थित हूं, मौजूद हूं और आप लोग देख सकते हैं कि आप अभी इन समय आप लोगों का परिचय कराऊंगा। इस क्रम में मैं आपको ले चल रहा हूं यहां की चाट, जो है टमाटर वाली, बहुत ही मशहूर है और यहां लोग बड़े चाव से चाट का स्वाद लेते हैं। सभी लोगों का तहलका न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग चाट का बहुत आनंद ले रहे हैं, चाट यहाँ की बहुत मशहूर है। चीफ एडिटर अरुण सिंह भीमा भी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि दुकान अपने अच्छे शुद्ध पवित्र पाक सामान बनाने की वजह से मशहूर है। मैं कुछ लोगों से वार्ता भी करूँगा, इससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये कचहरी है और कचहरी के ये जो है सामने का दृश्य है। सभी लोग तहलका न्यूज़ को देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और ये तहलका न्यूज़ जो है आप लोगों को आज दिखाएगा कि कैसे। ये मिठाई की दुकान है और ये गुलाब जामुन है, देखिए ये गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन है, कितना सुंदर है। ये आपको जो है घाटी है और ये जो है थाली खाली हो गई है, इतना डिमांड है इसका। ये क्या है, छोला है, ये है, ये है, ये है, ये कढ़ाई है, कढ़ाई में देखिए। आपका शुभ नाम क्या है? विक्रम। विक्रम जी, अच्छा आप यहाँ के मालिक हैं या मैनेजर हैं? कर्मचारी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कर्मचारी हैं। चाचा थोड़े इधर आ जाइए। आपका शुभ नाम क्या है? पलटवा उठा के मार मत दीजिएगा। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार गुप्ता जी। आप क्या हैं, कर्मचारी हैं? मालिक हैं। कब से दुकान चला रहे हैं? डेढ़ साल से। तब तेज बोलिएगा, डेढ़ साल से दुकान चला रहे हैं। हर रोज कितना ये सब खिलाते हैं आप टमाटर वाला? टमाटर का कितना खिलाते हैं? 100-150 पीस। अच्छा, एक पीस कितने का है? 12 रुपए का है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, सबको चाय पहुँचाइए और किसी संभ्रांत व्यक्ति की तरफ मोबाइल घुमाइए। बड़े भैया जरा आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? राम प्रकाश तिवारी। अच्छा, कहाँ पे आप वकील साहब लग रहे हैं? हम दीवानी और तहसील में वकालत। अच्छा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? वही जलपान करने आए हैं। जलपान करने आए हैं, यहाँ का जलपान आपको बहुत पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया जरा आप भी बोल दीजिएगा। आपका शुभ नाम? हरेंद्र यादव जी हैं। यहाँ का जलपान करने आए हैं? जी जी। आपका करने आए हैं? राजेश कुमार पांडे। आप भी जलपान करने हैं? के जलपान के बाद तारीफ करने आए हैं? हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है वकील साहब? संतोष। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुंदर। आपका चाचा? शिवमणि। क्या मनी? शिवमणि। शिवमणि जी, यहाँ शिव जी भगवान भी आ गए हैं, क्यों आए हैं आप? बस आए थे कागज देखने के लिए। हाँ, कागज इनको चापी लाइए, हमारी तरफ से ली, हमारे पैसे में पैसा अकाउंट कर दीजिए। अरे चाचा आप खाइए ना, बहुत पैसा वाला वो। हाँ जरा आप दोनों लोग बताइएगा कि ये दुकान आपको जो चीज सब कर रहा है वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? यहाँ की चाय भी बहुत मशहूर। आपका शुभ नाम क्या है? समुना से। कहाँ से आए हैं? मर्दा से। मर्दा से, गाजीपुर से चाय पीने के लिए चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाचा जान कहाँ के रहने वाले हैं? बस भैया ठीक है। ठीक है, बस भैया ठीक है, ये भी इसी भारत के बनाए हुए किसी नक्शे से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाचा जी खुशी आइए, मुस्की आइए, चाहे बताइए कैसा लग रहा है आपको तहलका न्यूज? बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा आप भी बड़े भाई बता दीजिए कैसा लग रहा है घाटी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अनिल कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? भरपुर के रहने वाले हैं आप लोग भाई साहब? मैं अशोक कुमार सिंह एडवोकेट, महामंत्री प्रत्याशी, डिस्ट्रिक्ट बारिश। आपका पान से उठवा लाल हो गया, गाय के बढ़िया के पान है राजा हमार जान लेवा का। शुभ संकेत है। किस बात का? मोदी की सरकार आ रही है? नहीं, सरकार तो हमेशा स्थिर रहती है। सरकार स्थिर रहती है, राजनीतिक पार्टी आती रहती है। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही जवाब दिया। आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार स्थिर रहती है कि आती जाती रहती है? आती जाती, सरकार आती जाती रहती है। आपका क्या नाम है चाचा जान? कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं बेटी के। अच्छा, सरकारें आती जाती हैं कि स्थिर है? तो कौन स्थिर सरकार बनाएगा, भाजपा कांग्रेस या गठबंधन? ये 2019 ही बताएगा, ये वोटर बताएंगे कौन बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय की दुकान पे भी चर्चाएं हो रही है कि 2019 में कौन? अच्छा, उपाध्याय जी हैं। कौन है ये उपाध्याय जी? हैं उपाध्यक्ष जी? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जी, जरा आप भी, किसके किसके उपाध्यक्ष हैं आप? आप कहेंगे उपाध्यक्ष नहीं है।
अच्छा आपका सुनना क्या है? इकबाल अहमद भैया बहुत खुश हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस दुकान पे इतना शानदार ढंग से आप लोग खा पी रहे हैं? ये मोदी जी का नहीं ना आप सम्मान बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने कहा था पकौड़े की दुकान पे खोल लीजिए, पकौड़ा खाने लोग आ जाएंगे। वही है पकौड़े की दुकान से ज्ञान भी बढ़ रहा है, धन भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी, राष्ट्रीय आपको भी धन्यवाद कि मीडिया जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का चर्चाओं के दौरान इतना प्रचार प्रसार कर रही है। राहुल गांधी का भी प्रचार कर रहा है। मैं आभारी हूँ, आप स्वतंत्र मीडिया वाले हैं, आपको सबका केयर करना चाहिए। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी और वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी, इस तीनों में से किसको अपोर्ट करेंगे और किसको अच्छा मानेंगे? ये देखिए गोपनीय मतदान का मामला है, ये संवैधानिक चीज है, ये किसी को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जवाब यही होना चाहिए, इसके लिए मैं भी आपको साधुवाद दे रहा हूँ। आपकी मुस्कुराहट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, मऊ आजकल के चीफ एडिटर हैं, क्या आप बताएंगे किस समय कहाँ खड़े हैं? मैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में एक चाय की दुकान है वहाँ खड़े हैं, और कचहरी से और कलेक्ट्रेट से जो कर्मचारी हैं वो यहाँ आके नाश्ता पानी करते हैं। यहाँ चर्चा चल रही है राजनीति की, और दिल्ली की सियासत का रास्ता जो है यूपी से होकर गुजरता है। सपा और बसपा गठबंधन के बाद 37 और 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से आपको बता दें कि घोसी लोकसभा सीट जो है वो भाजपा के कब्जे में थी, अब यहाँ पर गठबंधन की सीट से बसपा के एक प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं सपा और बसपा में से। तो अब देखना ये है कि भाजपा बनाम बसपा रहता है या और कोई तीसरा फ्रंट निकल के सामने आता है। तो ये है घोसी लोकसभा। क्या आपको ऐसी संभावनाएं बताओ, चीफ एडिटर दिख रहा है कि मऊ की राजनीति में हमेशा भूचाल आता है, कभी कल्पनाथरा तिहाड़ से जो चुनाव लड़ते हैं लड़े थे, तो कभी कल्पनाथरा बरगद के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे, हर बार इतिहास बनता और बिगड़ता है मऊ के यशस्वी धरती पे, मऊ के प्रभावशाली लोग इतिहास को बनाते और बिगाड़ते हैं, बाद में पछताते हैं और आंसू बहाते हैं, ऐसे शब्द में आपको क्या कहना है? नहीं, समय बदल गया है, अब लोग विकास के मुद्दों पर मतदान करेंगे, जाति धर्म कास्ट एंड क्रीड वाला सिस्टम अब खत्म हो गया है, पहले पार्टी की विचारधारा होती थी, अब लोग व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं कौन विकास कर सकता है और कौन देश को बढ़िया चला सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी का चुनाव किया जाए, क्योंकि कल्पनाथरा है? देखिए प्रत्याशी बढ़िया होना चाहिए, वो चाहे आपका केरल सही क्यों ना आया हो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ का। क्या आपको यकीन है कि आपका बेटा आईएएस होगा, उतना सम्मान जितना देगा उतना पड़ोसी का बेटा आईएएस भी आपको उतना ही सम्मान देगा? चीजें ये है कि नेता का काम, ये भी घोसी लोकसभा का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर सिर्फ बाहर के लोग आते हैं और चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, आज तक कोई भी ऐसा शख्स हमें नजर नहीं आया, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, सब बाहरी लोग आते हैं चले जाते हैं, मऊ के बारे में कोई इतना दहाड़ कर क्यों बोल रहे हैं? इंसानियत से आपको डर नहीं लगती? इंसान को किसी से डर नहीं लगती, इंसानियत से आपको डर नहीं लगती? मैं सिर्फ परवरदिगार से डरता हूँ, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा तो डरता है सिर्फ परवरदिगार से। वाह आप लोग सुन रहे थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं आपको ले चल रहा हूँ तहलका न्यूज के चीफ एडिटर अरुण सिंह भीमा जी के पास। क्या लग रहा है आपको, ये चाय की दुकान जो है वो सचमुच चाहत बढ़ा रही है या चर्चाओं को जन्म दे रही है? चाहत बढ़ा भी रही है और चर्चा भी का एक जन्म दे रही है, क्योंकि चर्चाएं जहां भी चाहत होगा वहां चर्चाएं होंगी, और काफी विनोद भाई का दुकान जो है यहां चाट काफी फेमस होता है। चाट बहुत फेमस होता है, और अभी चीफ एडिटर अरुण सिंह भीमा जी ने कहा कि आप जो है चर्चा, और चर्चा जहाँ होगा वहाँ खर्चा, क्योंकि जब खर्चा होगा तभी चर्चा होगा। जरा इधर आइए, कहाँ गए वो होमगार्ड जी? होमगार्ड जी इधर आइए, कैमरे के सामने आइए। अच्छा कैमरे से भाग जाइए, हाँ ठीक है। आपको ले चल रहा हूँ विभू जी के यहाँ। विभू जी आप बताइए कि आप MR हैं और अच्छे व्यक्ति हैं और शासन सत्ता में इनका अच्छा व्यवहार है, क्या लग रहा है आपको यहाँ चर्चा और खर्चा दोनों हो रहा है? दोनों ही हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने चाट खाया अभी अभी, आपको चाट कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं तहलका न्यूज, और तहलका न्यूज इस कार्य का प्रयास कर रहा है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए और स्वयं रोजगार खोला जाए, ताकि लोगों के सामने जो गरीबी और भूखमरी जैसी अपाहिज बना देने वाली समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाएं। आप लोगों को याद होगा कि कर बल बहियां अपनी छोड़ पराई आस, इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि कब तक जमाने वालों को बताएंगे कि भगीरथ जी ने गंगा जी को धरती पे लाया है। कुछ ऐसा सामाजिक इतिहास बनाइए कि जमाना खुद कहे कि आप भगीरथ बन के आया है, भगीरथ बन के आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये दुकान आपको पसंद आई और यहाँ की चर्चा आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजाएं, और नहीं इनके विचारों से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो एक जोरदार कमेंट करें। तहलका न्यूज
और यहाँ की जनता आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा और गोरखपुर के बाद अब आपके शहर मऊ में ABC क्लासेस कक्षाएं प्रारंभ 26 मार्च से। पता है चर्च कंपाउंड नियर SBI मेन ब्रांच शहादतपुरा मऊ।